तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल जमशेदपुर आशीष। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है कि बाइक से रिलेटेड बात होता है तो यार टॉपिक तो इंटरेस्टिंग हो ही जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 5 बाइक के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, तो हम लोग 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे और हम लोग जाएंगे 1 नंबर तक, कौन सी बाइक सबसे बेहतर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। तो इस बीच में आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, प्लीज प्लीज प्लीज। तो 5 नंबर पे बाइक आती है, वो है होंडा की एक्स ब्लेड। जी हाँ, इसको 160 बाइक के नाम से जाना जाता है बिकॉज आजकल सारी की सारी कंपनियां 150 से कन्वर्ट होकर 160 में अब आ रही हैं। एंड इस बाइक का मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये 162.71 सीसी का यह बाइक है। एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन है, सब तो यार एयर कूल्ड है ही इसमें, और इसका सिंगल सिलेंडर तो सबको ही पता है। इसका जो मैक्स पावर है वो 13.7 एचपी का पावर है, हॉर्स पावर का, एट द रेट 8000 आरपीएम पे। और इसका जो टॉर्क है वो 14.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है एट द रेट 5500 आरपीएम पे। तो इसका जो टॉर्क है वो काफी बेहतरीन है और इसका एक्सेलरेशन भी जो मिलेगा आपको भी आपको काफी बेहतरीन मिलेगा बिकॉज इसका जो टॉर्क है वो काफी ज्यादा कम आरपीएम पे आ जा रहा है, जिससे कि इस बाइक को चलाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इस बाइक का वेट काफी ज्यादा कम है, ओनली 143 केजी की वाइट है इसका जो वेट है इस बाइक का। और इस बाइक को मैनूवर करना भी, आगे पीछे करना भी काफी इजी रहेगा। और हम लोग अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक का, माइलेज। तो यूजर रिव्यू के हिसाब से मैं आपको माइलेज बता रहा हूँ, कंपनी क्लेम के हिसाब से नहीं। 47-48 किलोमीटर पर लीटर का इस बाइक का माइलेज रहेगा। तो माइलेज अप एंड डाउन होता है, लेकिन जो अप्रॉक्स माइलेज निकलेगा वो 46 भी हो सकता है, राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 47-48 इसका अप्रॉक्स माइलेज मिलता ही मिलता है, सारे के सारे यूजर्स का यही कहना है। और अब हम लोग आते हैं नंबर 4 बाइक की ओर। जी हाँ, और नंबर 4 बाइक जो है वो है एवेंजर 160 सीसी 2022 मॉडल। 2022 में इसे और ज्यादा अपग्रेड किया गया है, इसको और ज्यादा स्मूथ किया गया है, और ये जो बाइक है वो 4 नंबर पे आने मांगता है बॉस। इस बाइक का जो प्राइस है वो 1,08,902 रुपीज है, और इसका जो सीसी है 160.3 सीसी बाइक है। ये बहुत ही ज्यादा ये कंफर्टेबल मशीन है, ये क्रूजर बाइक में आता है। 160 सीसी सेगमेंट में आपको बजाज ही जो है वो कंपनी जो कि आपको क्रूजर बाइक देगा, और सबसे कम रेट में। इसका जो पावर है वो भी काफी अच्छा है, 15 हॉर्स पावर का इसमें पावर है एंड 8500 आरपीएम पे। और इसका जो टॉर्क है वो 13.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है एट द रेट 7000 आरपीएम पे। ये भी काफी ज्यादा मतलब लो एंड टॉर्क है इसका, मैंने आपको लो एंड और मिड रेंज इसका काफी अच्छा देखने को मिलेगा, और 15 हॉर्स पावर का पावर है यार, आप समझ सकते हो। माइलेज जो है इस एवेंजर का वो मेरे फ्रेंड के पास में है और मैं यूजर रिव्यू भी देखता हूँ, और इसका जो माइलेज है वो 45 किलोमीटर पर लीटर अप्रॉक्स आपको इसका माइलेज मिल ही जाएगा। और इस बाइक का सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स है कि ये 156 केजी का बाइक है, इसका वेट थोड़ा सा कम होना चाहिए था, ये मुझे वेट थोड़ा सा इसका थोड़ा हैवी लगता है। तो जो स्किनी पीपल है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस बाइक को मैनूवर करने में। अब हम लोग आते हैं थर्ड बाइक की ओर। ओके, सो द थर्ड बाइक है वो है जिक्सर की बाइक। काफी अंडररेटेड बाइक है, इस बाइक को लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बाइक खराब हो गई है, ये बाइक बहुत ही बेहतरीन बाइक है। ये 155 सीसी की बाइक है, काफी जाना पहचाना और माना हुआ और काफी सुपर रिलायबल इंजन है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे लिस्ट में कोई भी बाइक क्यों ना हो, लेकिन जिक्सर जो 155 सीसी की जो ये बाइक है, इसका जो बिल्ड क्वालिटी का जो टक्कर है वो कोई भी बाइक का नहीं है। इस बाइक का बिल्ड क्वालिटी नंबर 1 में है, बिल्ड क्वालिटी। ओके, इस बाइक का जो टायर जो है, मैसिव साइज का जो टायर है, वो एकदम जबरदस्त है। तो बात करते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले कह दिया कि 155 सीसी का बाइक है, 155 सीसी की इसका इंजन है, और इसका जो पावर है वो 13.6 हॉर्स पावर का इसका मतलब है एट द रेट 8000 आरपीएम पे। और टॉर्क जो है वो 13.8 न्यूटन मीटर एट द रेट 6000 आरपीएम पे। पेपर में आपको देखने में काफी ज्यादा कम लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस बाइक को चलाओगे तो भैया इसका जो मतलब जो आपको जो टॉप स्पीड जो मिलता है ना, और क्विक पिकअप, वो जबरदस्त मिलता है, बहुत ही क्विक मिलता है। इस बाइक का माइलेज जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, वो 42-43 किलोमीटर पर लीटर का इसका बाइक का माइलेज मिलता है,
ये सबको पता है, जिसके पास भी जिक्सर है उसे पता है, न्यू वाले का भी वही हाल है, 42-43 माइलेज है, पर ठीक है यार, जिस हिसाब से इसका पीछे का जो ब्रॉड टायर दिया है उस हिसाब से बाइक का माइलेज अच्छा है। और इस बाइक का जो वेट है वो 141 kg है। और इस बाइक का मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बिल्ड क्वालिटी तो यार नो डाउट काफी बेहतरीन है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो 1,24,000 रुपए, 1,25,000 पकड़ के चलो, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा हाई हो जा रहा है ये जिस हिसाब से इसमें पावर दिया है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इसका बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया है, कोई भी 160cc का बाइक को पकड़ लो, वो सबसे बढ़िया आपको क्वालिटी जो मिलेगा, बिल्ड क्वालिटी वो इसी बाइक का मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं अपाचे 162V के, जो कि हमारे नंबर 2 पर आती है, ठीक है। नंबर 2 पे जो बाइक आती है वो है अपाचे 162V, 2V नंबर 2 पे भी आ रही है और 2V भी है, वाह वाह क्या कॉम्बिनेशन है। तो ये जो बाइक है वो मेरे पास में भी है, इसलिए मैंने इसे 2 में नहीं रखा है कि मेरे पास है तो मैं इसे 2 में रख रहा हूँ, 1 में रख रहा हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार। ये बाइक जो है वो बेसिकली क्या है कि वो काफी ज्यादा रिलायबल बाइक है, बहुत सुपर रिलायबल बाइक है, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी जबरदस्त है, वाइब्रेशन वगैरह जो इसमें आते थे VS4 में, VS6 में, इसका वाइब्रेशन बहुत हद तक कम हो गया है, ओनली बजीनेस आपको फील होगी जब आप एक्सेलरेशन ज्यादा दोगे तो। और इस बाइक का प्राइस भी काफी ज्यादा कम है, 1,12,640 रुपए ऑन रोड, तो यार सबको पता है प्राइस बढ़ ही जाता है, 1,36,000-1,40,000 तक इसका ऑन रोड प्राइस आपको घुस जाएगा, ये सिटी टू सिटी वैरी करता है। ओके, इसका जो बाइक का जो पावर है वो है 15.53 bhp का पावर है एट द रेट 8,400 rpm पे, और इसका जो टॉर्क है वो 13.9 Nm का टॉर्क है एट द रेट 7,000 rpm पे। और इस बाइक का जो माइलेज है, माइलेज से पहले मैं आपको इसका पिकअप का बताऊं, ये आपको पेपर में देखने मिला 15.53, ये कम कोई पावर नहीं है 160cc बाइक के लिए, ये मैसिव पावर है, जब इसे चलाओगे ना तो आपको फील होगा अंदर से किक इन द पैंट्स फील, आप लोग KTM के बारे में सुने होंगे, लगभग उसी तरह का इसका पावर है, जबरदस्त पावर है, जबरदस्त 162V का। और इसका साउंड भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, जितने मैं अभी तक बाइक के बारे में बता चुका हूं उन सब में से सबसे बेहतरीन साउंड इसी बाइक का है। और इस बाइक का जो माइलेज, जो भी मैं अपने लिस्ट में मैं अपने बाइक रख रहा हूं ना, उन सब में से सबसे ज्यादा माइलेज इसी बाइक का है। अगर आपको माइलेज पर्पज से बाइक ले रहे हो तो आप 162V BS6 ले सकते हो, 50 km/L का इसमें माइलेज आपको मिल जाता है, वो भी बड़ी आसानी से। और इस बाइक को भगाते भी हो ना तो भी इसका माइलेज बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं होता है, ये इस बाइक का खासियत है। इस बाइक का माइलेज अगर ड्रॉप भी होता है ना तो 46-45 km तक ड्रॉप होता है अगर बहुत ज्यादा भगाते हो तो, पर अगर अच्छे से चलाते हो 50-60 यू नो ऐसे, तो आपको 50 km/L का एकदम मैसिव माइलेज आपको मिलता है इस मैसिव पावर के साथ में। और इस बाइक का वेट भी बहुत ज्यादा कम है, ओनली 140 kg, इसीलिए इसे मैनूवर करना मानो एक जैसे कि काफी इजी है। ओके, कोई भी स्किनी पीपल भी इसे मैनूवर इजीली कर सकते हैं आगे पीछे। अब हम लोग आते हैं नंबर 1 बाइक की ओर। नंबर 1 बाइक कौन है मेरे टॉप 5 लिस्ट में, वो है अपाचे की ही सीरीज है, अपाचे RTR 164V BS6। जी हाँ, हाई पावर। इस बाइक का जो प्राइस है वो भी काफी अच्छा रखा गया है, 1,17,000 rupees एक्स शोरूम इसका प्राइस है, ये सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है, अगर आप लोगों को एग्जैक्ट प्राइस जानना है तो आप लोग अपने शोरूम में बात कर सकते हो नियर शोरूम्स में। और इसका जो सीसी की हम लोग बात करते हैं, 159.7 cc का ये बाइक है, पावर इसका मैसिव पावर दिया है, एकदम जबरदस्त पावर दिया है, 17.63 hp का हॉर्स पावर है इसमें एट द रेट 9,250 rpm में, जिससे कि इस बाइक का जो टॉप स्पीड है वो आपको काफी जबरदस्त मिलता है। और इसका जो टॉर्क है वो है 14.73 Nm का टॉर्क है एट द रेट 7,250 rpm पे। इस बाइक का माइलेज जो है वो आपको पावर काफी ज्यादा है, सो दिस रीजन इस बाइक का माइलेज आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, 40-42 km/L का इस बाइक का आपको माइलेज मिल जाता है। इस बाइक का मैं एक और आपको कॉन्स बताना चाहूंगा, जब आप इस बाइक को बहुत ज्यादा भगाते हो, जैसे कि अपाचे 162V हो गया, उसका आपको 50 km/L का माइलेज मिलता है, लेकिन जब आप इस और उसे जब आप भगाते हो तो आपको 45-46 km/L का माइलेज मिलता है अपाचे 162V BS6 का। लेकिन अगर आप इसे भगाते हो 164V 4V को, तो इसका माइलेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, 32-33 km/L, समझ सकते हो। ऐसा तो यार लगता है कि जैसे कि डोमिनर वगैरह अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो आपको 28-30 का माइलेज मिल जाता है, माने उस लेवल तक का माइलेज इसका ड्रॉप हो जाता है। ये एक बाइक का एक कॉन्स है, किसी के पास में भी है वो मुझसे एग्री 100% करेंगे, लेकिन अगर आप इसे अच्छे स्पीड में चलाओगे तो इसका बाइक का माइलेज आपको काफी अच्छा मिलता है। और इस बाइक का वेट जो है वो 147 kg है,
हाँ 162 भी से ये थोड़ा भारी तो है, 7 kg भारी है, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज इसका पावर काफी अच्छा है। तो ये रहा कॉम्पेरिजन 5 bikes का। तो आप लोग अगर मुझसे पूछोगे कि आप लोगों को कौन सी बाइक लेनी है इन समय से, तो यार आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आपको क्रूजर बाइक चाहिए तो आप एवेंजर ले सकते हो, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो आप अपाची ले सकते हो, सुपर रिलायबल और इस बॉडी पार्ट्स काफी ज्यादा रिलायबल चाहिए तो आप जिक्सर ले सकते हो। मतलब सब बाइक जो मैंने रखी है वो काफी ज्यादा रिलायबल मशीन है और पसंद में आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इन 5 में से कौन सा बढ़िया बाइक लगता है, और अगर मुझसे कोई इससे बेहतरीन बाइक मुझसे छूट गई है तो वो भी आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, और मैं 100% मैं गारंटी देता हूँ मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा कि मैंने और किसी बाइक को इसमें क्यों नहीं रखा। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।